हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका अपने इस वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक यह है कि इंडियन रेलवेज में TDR फाइल करने का क्या सिस्टम है। आज इस वीडियो में हम पूरा इसी टॉपिक के बारे में विस्तार में जानेंगे, तो वीडियो एंड तक पूरा देखें। TDR का मतलब होता है टिकट डिपॉजिट रिसीप्ट, जो कि तब फाइल किया जाता है जब हमें अपने टिकट को कैंसिल कराने के बाद रिफंड चाहिए होता है। आमतौर पर दोस्तों, जब भी हम ऑनलाइन टिकट IRCTC द्वारा बुक करते हैं और उसे कैंसिल करते हैं चार्ट बनने और जर्नी के पहले, तो हमारे टिकट कैंसिलेशन चार्ज कट कर बाकी के अमाउंट हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि चार्ट प्रिपरेशन हो जाता है और हमें अपनी जर्नी को कैंसिल करना होता है। उस केस में TDR फाइल करके हम अपने रिफंड को पा सकते हैं। दोस्तों, TDR फाइल करके रिफंड पाना आपके केस पे डिपेंड करता है कि कितने दिन लगेंगे, जिसमें कभी कभी 60 दिन भी लग जाते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि क्या वो रीजंस हैं जिसमें हम TDR फाइल कर सकते हैं और अपने रिफंड को वापस पा सकते हैं। जिसमें कि पहला रीजन यह है कि यदि आपकी ट्रेन 3 घंटे या फिर उससे ज्यादा लेट है और आप अपनी जर्नी को कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, तो उस केस में आप TDR फाइल करके अपना रिफंड पा सकते हैं। दूसरे रीजन में, यदि आप AC कोच में सफर कर रहे हैं और AC बिगड़ी हुई है, यानी कि AC फेलियर हो चुका है और इसकी सूचना आपको TT द्वारा मिल चुकी है, तो आप अपने जर्नी को कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, तो उस केस में भी आप TDR फाइल करके अपना रिफंड पा सकते हैं। अगले रीजन में, यदि आपकी ट्रेन लेट है और उसके वजह से आप दूसरी कनेक्टिंग ट्रेन के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इस वजह से भी आप जर्नी को कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, तो भी आप TDR फाइल कर सकते हैं। और रीजंस की बात करें तो उसमें यह भी आता है कि आपका टिकट RAC रह गया है, फुल सीट आपको अलॉट नहीं हुई है, तो उस रीजन में भी आप अपने जर्नी को कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं और आप अपना रिफंड चाहते हैं, तो भी आप TDR फाइल कर सकते हैं। TDR फाइल में यह जरूरी नहीं होता है कि आपका पैसा रिफंड हो ही जाएगा, क्योंकि आपने जो रीजन बताया है वो सही होना चाहिए और रिफंड आने में कभी कभी तो 90 दिन भी लग जाते हैं, यानी कि 3 महीने से भी ज्यादा समय लग जाता है। दोस्तों, अगर रेलवेज के बदलाव के वजह से आपको टिकट कैंसिल करने की जरूरत पड़ी है, जैसे कि ट्रेन की रूट डाइवर्ट हो गई और आप जिस रूट पे बैठने वाले हैं वो स्टेशन उस रूट में नहीं आता है, इन रीजन के तहत आप टिकट कैंसिल करते हैं, तो आपका पूरा रिफंड आपके अकाउंट में जमा कर दिया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने जाना कि TDR क्या होता है, कब फाइल किया जाता है, कब कब हमें रिफंड मिलता है। आगे की आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि TDR कैसे फाइल करते हैं बहुत ही आसानी से। तो उम्मीद है दोस्तों, आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। कोई भी डाउट अगर जो रह गया है तो कमेंट में मुझसे जरूर पूछे। वीडियो अगर जो अच्छी लगी हो तो वीडियो को 1 लाइक जरूर करे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे। मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।